हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हमने यूनिट प्लेस निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था, लेकिन अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो पेपर में आपके क्वेश्चन आए हो रेलवे में SSC में, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपका कोई भी डाउट जो है इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे SSC यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, उसमें लिखा होगा कि इकाई का अंक जो है वो आपको ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस जो है आपको निकालना है। अब जैसे ये लिखा है 176,3963, इसकी ये पावर दी है 14063, मल्टीप्लाई है, और 907373 इसकी ये पावर दी है। पावर कितनी बड़ी हो, कैसा भी बेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें करना क्या होता है, केवल आपको ये तीन से मतलब है यहाँ पर। अब इस तीन के ऊपर जो ये पावर दी है, इसकी लास्ट की केवल दो डिजिट ले लो। अब मैंने आपको बताया था, ये चीज आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं, जैसे यहां पर बेस तीन है, तो वैसे ही बेस या तो जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, या तो फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, सेवन होगा, एट होगा, या फिर नाइन होगा। इसमें से ही कोई भी एक यहां पर बेस होगा, जैसे यहां पर तीन दिया है। तो मैंने आपको एक फंडा बताया था कि जीरो और वन के केस में तो यूनिट प्लेस जो है वो जीरो और वन ही आएगा, फाइव के केस में फाइव आएगा, और सिक्स के केस में सिक्स आएगा। बाकी जो ये है टू थ्री फोर या फिर सेवन एट नाइन, अगर ये मिल जाए तो इनको आप चार से डिवाइड करोगे, चार से क्या करोगे, भाग दोगे। तो देखो ये तीन मिला है, तो तीन वाले केस में चार से भाग देना है, तो पूरे नंबर को 14063 को भाग मत देना, केवल 63 को फोर से भाग दे दो। तो देखो ये कितना रिमाइंडर यहां पर बचा, शेष कितना बचा है, शेष बचेगा तीन, क्योंकि ये 15 बार जाएगा, 60 और 3 यहां पर शेष बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचा है वही पावर बन जाएगी तीन की। तो तीन की अब पावर कितनी हो गई, तीन की पावर हो गई तीन। ये जो रिमाइंडर बचता है यही पावर यहां पर लिख देते, मल्टीप्लाई एज इट इज लिख लो। आगे देखो तीन है, और फिर से क्या करो, 73 में चार से डिवाइड कर दो, तो चार से ये 18 बार जाएगा, एक यहां पर रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, एक बचेगा, तो जो शेष बचेगा वो तीन की क्या हो जाएगी, यही रिमाइंडर वाली पावर हो जाएगी, तो एक पावर ये हो गई। अब देखो तीन की पावर तीन करोगे ये कितना आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 27, ठीक है, और तीन की पावर वन करोगे ये मिलेगा तीन। यूनिट प्लेस करना है तो ये तीन की मल्टीप्लाई केवल इस सात से करो, 3 × 7 ये हो गया कितना, 21। तो लास्ट में कितना आपको मिल रहा है, वन निकल कर आया, तो ये इकाई का अंक जो है वो क्या होगा, ये आपका होगा एक, यूनिट प्लेस क्या निकल कर आ जाएगा, वन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब एक और थोड़ा लंबा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे इसमें तीन चीजों की मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान से देख लो। एक फंडा मैंने आपको, अगर याद होगा कि आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको फोर की पावर इवन दी है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, छह आएगा। अगर फोर की पावर ऑड है तो इकाई का अंक क्या आएगा, वो आएगा फोर आएगा। यही दो केवल निकल कर आते हैं। तो मैंने कहा इसको तो आप लोग याद भी कर लेना, निकालने का तरीका मैंने बताया था, वही है चार से डिवाइड करने वाला, ऐसे कोई इसमें नई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो चार की पावर क्या है, ये ऑड है, तो जब चार की पावर ऑड है तो क्या निकल कर आएगा, आपका रिजल्ट इकाई में चार ही आएगा। इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, चार निकल कर आएगा। इनटू छह है तो छह में हमेशा छह आता है, यह चीज आपको याद रहनी चाहिए। पांच में कितना आता है, आपका पांच आता है। तो देखो पांच इंटू छह ये हुआ 30, 30 इंटू चार ये हो गया 120। तो लास्ट में कितना निकल कर आ रहा है, जीरो। तो ये यूनिट प्लेस, अगर आपसे पूछे कि इस पूरी क्वेश्चन में अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो आपका इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, वो आपका निकल कर आएगा जीरो, लास्ट में मिलेगा आपको जीरो। ये हो गया आपका राइट आंसर यहां पर, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन नंबर तीन है, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया, तो उनको मैं यहां पर फिर से एक बार इसको समझाना चाहूंगा। 252 की पावर 126 है, तो आप ये देखो 252 इसकी पावर है 126, और प्लस कितना है 244, यहां पर अलग मॉड्यूल लिख देता हूं, 244 इसकी पावर है 152। इनको अलग अलग सॉल्व करके हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, यही हमें प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखो यहां पर दो है, ये चीज आपको भी पता होगी कि जीरो और जीरो के केस में जीरो आएगा, वन के केस में वन यूनिट प्लेस आता है, फाइव और सिक्स, फाइव में फाइव, सिक्स में सिक्स, बाकी जितने भी होंगे उन सबको चार से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो दो है तो इसका मतलब 126 में चार से डिवाइड करना होगा, केवल आप 26 को चार से डिवाइड कर दो, लास्ट की दो डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। तो ये केवल यहां पर दो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर, दो शेष मिलेगा। तो दो की पावर दो हो गई, ये कितना हो गया, फोर। अब ऐसे ही फोर है, तो देखो मैंने आपको बताया कि चार की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट कितना आएगा, छह आएगा यूनिट प्लेस, अगर फोर की पावर ऑड है तो
तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 4। तो 4 की पावर जो है यहाँ पर कितनी इवन है, तो रिजल्ट कितना आएगा 6, 6 प्लस 4 ये हो गया आपका 10। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है आपका, तो यूनिट प्लेस यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा इसमें टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो एटलीस्ट आप इनको आसानी से सॉल्व दोस्तों कर सकते हो। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया यहाँ पर, और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हमने यहाँ पर दोस्तों डिस्कस किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें प्लस का ऑपरेशन दिया, अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया था, प्लस वाले में कुछ नहीं है, ये भी आसान है। देखो 1 की पावर, तो 1 में तो 1 ही आपको मिलेगा, 2 है तो इस 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, वो 0 मिलेगा, और 0 रिमाइंडर मिलने का मतलब है कि 4/4 पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया। ये मैंने क्लू बताया था आपको लास्ट वीडियो में क्लाउड बनाकर, जिन लोगों ने अगर ये यूनिट प्लेस वाली वीडियो देखी होगी। तो फिर क्या करना होता है, 2 की पावर ये जो 4 दिया है यही आपको यहां पर लिखना होता है, ठीक है, प्लस 3 की पावर 133 है, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से कितने बार जाएगा, 3 बार गया, 12 एक बचा फिर 3 बार, यहां पर रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 आएगा, प्लस 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस निकलेगा 6, और 5 की पावर कोई भी दी हो यूनिट प्लेस तो आपको 5 ही मिलेगा। तो देखो 2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 × 16 तो यूनिट प्लेस कितना मिल गया, 6 मिल गया हमें यहाँ पर, ठीक है, 16 निकल कर आया ना ये, तो 16 में मतलब आपको केवल लास्ट डिजिट से ही रहना चाहिए, तो ये 6 हो गया। अब ये 1 है, प्लस ये 3 है, ये 6 है और ये 5 है, सबको जोड़ दो, 5 × 6 = 11, 3 × 14 है, 14 × 6 = 20 और 1 = 21, रिजल्ट कितना आया, 21 आया, लास्ट में कितना है, 1 दिया है। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट प्लेस कितना निकल कर आएगा, इकाई का अंक, वो आपका आएगा 1। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों एक अगर सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन दिया है तो अगर इसमें पूछा है कि इकाई का अंक जो है इस प्रोडक्ट में निकाल कर दिखाओ वो कितना आएगा, यूनिट प्लेस यहां पर पूछ रहा है, ध्यान देना। तो आप क्या करो, सबकी लास्ट डिजिट ले लो, 4 है, 8 है, 7 है, 3 है, इनको देख लो, 4 × 8 × 7 × 3 इससे आपका इकाई का अंक निकल आएगा। 4 × 8 कितना हुआ, 32 हुआ, इंटू 7 × 3 कितना हुआ, 21 हुआ। अब क्या करो, 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 ये कितना आया, 2, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 निकल कर यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला 6 वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा नया आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है कि जैसे लिखा है 137, इसकी पावर 13 और इसकी पावर 47, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको यूनिट प्लेस यूपी मतलब कि इकाई का अंक जो है वो निकालना है। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें क्या करो कि पावर और पावर की मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 47, ठीक है, 13 × 7 ये कितना हुआ, 91, एक यहां बचा, 9 कैरी हुआ, 13 × 4 52, 52 और 9 61। तो अब ये पावर कितनी हो गई, 137 की पावर 611 हो गई। अब तो आसानी से निकाल सकते हो ना, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 4 से ये गया एक बार, 21 हुआ, फिर 5 बार गया, ठीक है, फिर ये कितना हुआ, 11 बचा, 2 बार गया, ये 3 बच रहा है यहाँ पर पावर, ठीक है, 3 रिमाइंडर जो है ये बचेगा यहाँ पर। जब आप 611 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 7 की पावर में रिमाइंडर आएगा 3, तो ये हो गया 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 कितना हुआ, 49 × 7, तो 7 × 9 ये कितना हो गया, 63, तो 3 क्या हो गया यहाँ पर, इकाई का अंक हो गया, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या निकल कर आ गया, 3। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर तो आपने बहुत हल्की पावर ली है, जैसे 13 लिए है, इसकी पावर 47 ली है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट हो जाए तो उस केस में क्या करना है, चलो थोड़ी डिजिट बढ़ाते हैं, जैसे मैंने 95 और 378 ले लिया, तो इस केस में क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 378 में 95 की मल्टीप्लाई करनी है, इन लाइन मल्टीप्लीकेशन, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद ना आता हो, वैसे सारे लोग जानते होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे।
हमें मतलब किससे है? केवल केवल लास्ट के दो डिजिट से मतलब होगा, ऊपर की दो नीचे की दो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप 8 और 5 की मल्टीप्लाई करो, एरो को ध्यान में रखना, 8 इंटू 5 ये हुआ 40, तो 0 यहां पर आया, 4 आपका कैरी हो गया। ओके, ध्यान से देखना। फिर क्या करना है, 7 की 5 से करनी है मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 ये कितना होगा, 35 हो गया, मैंने यहां पर लिख लिया। फिर 8 की आपको 9 से करनी है, 8 इंटू 9 ये हो गया 72, इनको जोड़ दो 35 और 72। जब आपने 35 और 72 जोड़ा तो ये कितना आ गया, 107। और ये जो 4 कैरी वाले थे ये भी यहां पर ऐड हो जाएंगे, फिर कितना हो गया, 111। अब 111 का केवल यहां पर एक लिखा जाएगा और 11 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, कैरी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट के दो डिजिट मिल गए जब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो लास्ट के दो डिजिट 10 मिल गए। यही आपको केवल निकालने हैं, पूरी मल्टीप्लाई हमें नहीं करनी, केवल दो डिजिट निकालने हैं। तो देखो लास्ट के दो डिजिट मुझे निकल कर आ गया, तो मुझे पता चल गया कि अब 2044 जो है इसकी पावर कितनी है, कुछ भी होगी लेकिन लास्ट में तो 10 ही केवल निकल कर आएगा। तो अब देखो 4 की पावर क्या निकल कर आई, ये आई आपकी इवन। ओके, 4 की पावर इवन आई तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यहां पर कितना, 6 आ जाएगा आपका। ओके, ध्यान देना यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो इस तरह से आपको टैकल यहां पर करना होगा। तो जब 4 की पावर इवन है तो रिजल्ट कितना आ गया यहां पर, 6, तो 6 प्लस। अब देखो 5 की पावर कुछ हो 5 ही आएगा, तो 6 और 5 इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो कितना मिलेगा, 11। तो यूनिट प्लेस में क्या है, 1 ही निकल कर आएगा, इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप ये चीज अब सबको समझ में आ गई होगी, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम अब नहीं आ रही होगी। ओके, चलो एक थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आपने कहा कि बड़ी और डिजिट हो जाए, तो 7878 हो जाए, 2526 हो जाए, मुझे मतलब किससे, केवल लास्ट की दो डिजिट से, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो देखो 7878 है और ये है 2526, मुझे क्या करना है, केवल इन दो से मतलब है। तो देखो 6 इंटू 8 ये हुआ 48, इसका 8 बचा, 4 आपका कैरी बच गया। ओके, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैरी की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैरी को अगली डिजिट में आपको ऐड भी दोस्तों करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर आप देखो 8 इंटू 6 48 हुआ, 8 यहां पर, 4 कैरी। अब देखो 7 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 7 इंटू 6 ये हो गया 42 प्लस 8 इंटू 2 ये हो गया 16, 42 और 16 को अगर मैंने जोड़ा तो 42 6 48 10 कितना हो गया, 58। कैरी वाले 4 जोड़ दो, अब कितना हो गया, 62, कितना हो गया, 62। तो 62 का 2 यहां पर आएगा, फिर से 6 कैरी हो जाएगा, लेकिन आपको तो केवल ये दो डिजिट चाहिए, वो आपको मिल गए। तो अब यहां पर हम क्या कहेंगे, 137 की अब पावर कितनी बन गई, यहां पर कुछ भी हो यहां पर तो आपको 28 लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अब ये 28 को क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि हमेशा हम करते आए हैं अभी तक, जब हमने यूनिट प्लेस निकालना आपको सिखाया था मैंने कहा कि केवल 0 और 1 और 5 और 6 इन केस में 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5, 6 में 6, बाकी जितने भी नंबर होंगे यहां पर इन सबको 4 से डिवाइड करना होगा पावर को, तब निकालोगे जो रिमाइंडर बचेगा। अब यहां पर 7 है और 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर आपको मिलेगा यहां पर 0। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 कब मिलता है, जब आप 4 को 4 से डिवाइड करते हो, मतलब जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो जब 4 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, इसका मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहां पर पावर कितनी होनी चाहिए, फिर यही वाली 4 पावर हम लोग पिक कर लेते हैं, 7 की पावर 4। तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना हुआ, 49, 49, तो केवल 9 लिख लो, लास्ट ये 4 लिखने से कोई फायदा है नहीं वैसे, ये भी 49 हो गया, 9 इंटू 9 करोगे 81 हो गया, मुझे यूनिट प्लेस चाहिए, मैंने 1 यहां पर पिक कर लिया, प्लस का सिंबल है, 4 की पावर इवन है, रिजल्ट कितना आएगा, 6, तो 6 में अगर आप 1 को ऐड करोगे ये वाला 1, तो कितना आ गया, 7, तो इकाई का अंक आ गया 7। अब कैसा भी क्वेश्चन आए, कितनी पावर ऊपर चली जाए नीचे चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ओके, अब दोस्तों किसी भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, एक चीज मैं फिर से रिकॉल कराना चाहूंगा कि अगर ध्यान रखना कि जो यहां पर 7 दिया है ऐसे ही यहां पर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। तो अगर 0 है तो पावर 0 ही आएगी, 1 दिया है तो पावर 1 आएगी,
5 दिया है तो 5 आएगी, 6 दिया है तो 6 आएगी। अगर मैं कहूं 135, इसकी पावर में लिख दूं 10783523453821 कुछ भी, तो 5 है यहां पर, तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 ही आएगा। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आई होप ये सेशन आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।